एक जरूरी सूचना, यदि आप अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा ब्यौरा लेना चाहते हैं, जैसे नाली खड़ंजा, बिजली, पानी, किस मद में कितना पैसा आया और किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ, सारी जानकारी आपको ए टू जेड जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। इसके लिए आप सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वोटों को बढ़ा सकते हैं। जी हां, ग्राम प्रधान के चुनाव में यदि आप चाहते हैं कि आपको इस बार सबसे अधिक वोट मिले तो आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके को अप्लाई कीजिएगा, आपके वोट परसेंटेज में जरूर वृद्धि होगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं पहले से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का चुनाव यदि आपको जीतना है तो किस किस तरीके का इस्तेमाल करना है। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से आज मैं आपको छोटा सा तरीका बताने वाला हूं, जिस तरीके का इस्तेमाल आप लोग हमेशा करते हुए आए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मतदाता आपके फेवर में हमेशा मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी मतदाता से एक दिन मिलते हैं, उससे उसके दुख सुख की बात करते हैं और उसकी परेशानियों की बातचीत करते हैं और उसको आने वाले समय में क्या लाभ दिलवाएंगे आप, ये सारी बातें करते हैं। फिर वो उतनी देर के लिए वह मतदाता आपके फेवर में हो जाता है और हो सकता है कि वह एक सप्ताह 10 दिनों तक ही आपके फेवर में लगातार रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपके ग्राम सभा में मान लिया कि आप 500 घरों का आपका ग्राम सभा है, आपके पूरी ग्राम सभा में टोटल 500 घर हैं, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके ग्राम सभा में टोटल 500 घर हैं, आप पहले घर पे पहुंचे, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई उनसे, उनके साथ कुछ बातें शेयर किया, उनको मोटिवेट किया आपने और उनको अपने फेवर में कर लिया, और आप जब वहां से आप चले आए उसके बाद भी आपने इनडायरेक्ट अन्य लोगों से पता लगाया कि वो इस समय किसके फेवर में है, उसके बाद भी आपको पता चले कि हाँ अभी भी वो आप ही की बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस घर का वोट हमेशा के लिए आप ही के लिए फिक्स हो गया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक बंदा एक प्रत्याशी मोटिवेट करके चला जाता है तो उसके फेवर में वह मतदाता 8 दिन 10 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा प्रत्याशी उसके पास पहुंचता है, वो दूसरे तरीके से मोटिवेट करता है, तो वह व्यक्ति फिर उस दूसरे वाले प्रत्याशी के फेवर में हो जाता है, उसके कुछ उसके परिवार का कुछ वोट उसके फेवर में हो जाएगा या तो टोटल उसके फेवर में हो जाएगा। आप वहां पर पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले मेहनत करके गए, बात करके गए, अब आपकी बात वहां पे समाप्त हो गई, नया प्रत्याशी आया, उसकी बात से वो प्रभावित होकर के उसके फेवर में हो गया। ऐसे वोटर भी आपके ग्राम सभा में पाए जाते हैं और ऐसे वोटर लगभग 30 से 35% होते हैं हर एक ग्राम सभा में, कि 30 से 35% लोग इस तरह के होते हैं जो किसी के भी मोटिवेट करने पर उन्हीं के फेवर में हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वह वोट आपका हमेशा बना रहे और कोई भी प्रत्याशी उसे तोड़कर ना ले जा सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्रत्येक सप्ताह उस मतदाता से मिलिए, उसके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति से जरूर मिलिए, समय दीजिए 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट, जितना हो सके उतना समय दीजिए, हर बार आप उसको मोटिवेट करते रहिए ताकि उसके दिमाग में मोटिवेशन की बैटरी अगर आप चार्ज करते रहेंगे तो हमेशा वह आप ही को करंट देता रहेगा, मतलब हमेशा वह आप ही से जुड़ा रहेगा, कोई भी दूसरा प्रत्याशी आकर के उसे दो दिन में एक दिन में नहीं मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि आप उसको हमेशा चार्ज कर रहे हो। बात को समझिएगा, बहुत ही गंभीरता वाली बात है। आप हमेशा अपने मतदाताओं से 10 दिन पर 7 दिन पर जरूर मिलते रहें और तीसरे चौथे पर्सन से यानी इनडायरेक्ट तरीके से यह भी पता लगाते रहें कि आपसे बातचीत करने के बाद उस मतदाता का रुख क्या है, उसका मूड किधर है, हमेशा आप पता लगाते रहें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चूक से एक दिन ऐसा आता है कि बहुत बड़ी चूक हो जाती है और चुनाव आपके हाथ से
निकल जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप हमेशा अपने मतदाताओं के संपर्क में रहें और इस बात का ध्यान रखें कि मैं कौन से मतदाता से बहुत लंबे समय से नहीं मिला हूं, उससे ज़रूर मिलें। तो इसके लिए ज़रूरी होती है प्रोफेशनल वे से कन्विंसिंग करना। प्रोफेशनल वे क्या कहता है कि आप लिस्ट बनाकर काम करो, लिखित पेपर पर नोट करके काम कीजिए कि मैं किस तारीख पर किससे मिला हूं और उस व्यक्ति से मिले हुए मुझे कितना दिन हो गया, उस घर पर गए हुए मुझे कितना दिन हो गया, कोई विशेष फंक्शन है, कोई आपातकालीन घटना घट गई, उसमें आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हर एक चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी उलझनें आपके पास हैं, आपकी पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, दुनियादारी, राजनीति, गांव की राजनीति, बड़े स्तर की राजनीति, सब जगह से आप जुड़े हैं। आपका ब्रेन सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकता है, इस नाते आप जब लिखित फॉर्मेट में नोट्स बना के पेपर पर आप लिख करके काम करेंगे, लिस्ट बना के काम करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती जाएंगी, जिससे आप खो नहीं सकते हैं, जिसको आप दोहराते रहेंगे। तो ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में थोड़ी सी भी अगर आपको राहत महसूस हुई हो, थोड़ी सी सीख मिली हो, तो यार मुझे दिल से मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक बार मन में ही मेरे लिए धन्यवाद बोल देना, मुझे महसूस हो जाएगा वहाँ से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।